हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मॉम किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग लेके आई हूँ, बथुए का पराठा। सर्दियों में बथुआ बहुत अच्छे से मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है और बहुत ही गुणकारी होता है। तो आज मैं आप लोगों को बथुए का पराठा बनाना बताऊँगी। चलिए बताती हूँ। यहाँ मैंने देखी लिया है बथुआ। सर्दियों की शाम हो और पराठे मिले तो क्या ही है। आप इसको मोटे डंठल अच्छे तरीके से निकाल के और पत्ती पत्ती ले लीजिए, और जो बारीक महीन डंठल है उसको आप काट सकते हैं। बहुत ही बारीक काट लीजिए, आप उसको आप यूज कर सकते हैं। पराठे सर्दियों के मौसम में किसको नहीं पसंद होते हैं। सर्दी की शाम हो, पराठे हो गरम गरम, तो क्या बात है। चलिए ये देखिए, मैंने बथुए को अच्छे तरीके से छोटे छोटे उसमें काट लिया है। आप देख सकते हैं कितना बारीक मैंने काटा है। मैंने लिया है एक सर्विंग मिक्सिंग बाउल और उसमें एक कटोरी आटा डाला है। अब इसमें हाथ से क्रश हुई अजवाइन डाल दीजिए। अजवाइन का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसमें आप नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, और इसमें कटे हुए बारीक बथुए को ऐड कर दीजिए और अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से आप मिला लीजिए नमक, बथुआ, आटा और थोड़ा थोड़ा पानी को मिलाते हुए गूंथ लीजिए। इस तरीके से ज़्यादा जैसे आप नॉर्मल पराठा बनाते हैं ना, आटा उसका गूंथते हैं, वैसे ही इसको भी गूंथना है। ज़्यादा हार्ड नहीं इसको गूंथना है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंथना है। तो आप इसमें हमने नमक ऐड किया है तो आप इसको अच्छे तरीके से कम पानी ही मिलाइए, क्योंकि ये नमक मिला है, बथुआ है तो पानी ऑलरेडी छोड़ेगा तो आटा गीला हो जाएगा। देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा करके और इसको ढक करके रख देंगे। अब आप मैंने लिया है यहाँ 4 से 5 उबली आलू आटे में भरने के लिए। इसको अच्छे तरीके से आप मैश कर दीजिए। मैश से देखिए मैश हो गया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। पैन गरम है, इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। तेल गरम हो जाए आप इसमें ऐड करिए जीरा। जीरा हल्का हो जाए तो आप इसमें लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और हरी मिर्च डाल दीजिए। इसमें ऐड कर दीजिए हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसमें मैश की हुई आलू आप डाल दीजिए। अच्छी तरीके से इसको आप मिला लीजिए। आलू चटपटी हमारी बनके तैयार हो रही है। इससे हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तरीके से आप मिला लीजिए। इसमें मैंने सूखी जो खड़ी धनिया होती है ना, उसको हल्का से भूंज करके पीस करके मैं रखी हुई हूँ पहले से, उसको ऐड कर देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें ऐड करिए आप स्वाद अनुसार नमक। इस नमक को अच्छे तरीके से मिला लीजिए, कहीं कम या ज़्यादा ना हो। अब इसमें हरी धनिया ऐड कर दीजिए। हरी धनिया से डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और आप देख सकते हैं ये बहुत ही कलरफुल लग रही है। कितना अच्छा आलू हमारा फ्राई होकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं चटपटा। इस तरीके से आप बथुआ बनाइए, बथुए का पराठा खाइए और खिलाइए। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। और आप बताइए हमारा ये वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अब इसको हम ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए, ऐसे रख कर रख देंगे फैला करके। चलिए हमारा आटा भी सेट हो गया है काफ़ी देर से। अब इसको हम पराठा बनाने के लिए हमारा बिल्कुल तैयार है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप ऐसे थोड़ा सा पराठा आटा ले लीजिए गुथा हुआ, इसको अच्छे तरीके से रगड़ करके आप पेड़े काट लीजिए। जिस भी साइज में आपको मोटा या पतला जैसा भी आपको बनाना हो उस तरीके से आप इसको काट करके बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए
इस तरीके से गोल गोल कर आटा लगाया हमने थोड़ा सा। अब इसको हाथ की सहायता से आप कटोरी जैसा बना लीजिए। इस तरीके से चारों तरफ से घुमाते हुए देखिए कटोरी तैयार हो गई है। अब इसमें जो हम आलू तैयार किए हैं भूज करके उसको इसमें रख दीजिए। इस तरीके से रख करके किनारे से चारों तरफ से ऐसे दबा दबा कर मोड़ते हुए इसका मुंह हमको बंद कर देना है। आलू के पराठे तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, बट ये बथुआ डालकर आप बनाकर खाएंगे ना तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और हेल्दी है ये। बहुत बथुए में बहुत गुणकारी होते हैं, आपको पता ही होगा। इस तरीके से आप हल्के हाथों से बेलिए, ये फटेंगे बिल्कुल नहीं। अगर थोड़ा फट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देख रहे होंगे ये फटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं फटते। अब हमारा पैन ऑलरेडी गर्म हो चुका था, मैंने रखा था, इसको आप डाल दीजिए इस पे। और नीचे से ये अच्छे तरीके से जब पक जाएगा ना तो आपको ऊपर से दिखाई देगा। आप इस तरीके से ये देखिए पलट लीजिए इसको, और आप इसमें ऑयल लगा सकते हैं, रिफाइंड या सरसों का तेल या आप घी। तो यहाँ पर मैं रिफाइंड का यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं घी को अवॉइड करती हूँ, और या सरसों का तेल मैं बनाती हूँ ऑलमोस्ट ज़्यादातर करके, और या रिफाइंड। तो यहाँ मैंने रिफाइंड का यूज किया है। आप इस तरीके से चारों तरफ से अच्छे तरीके से इसको ग्रीस कर लीजिए पराठे को अपने, और पलट पलट के अच्छे तरीके से चारों तरफ सेकिए ताकि पराठा अच्छे से पक जाए। देखिए हम इसको पलट देते हैं, ये देखिए हमारा पराठा अच्छे तरीके से सिक गया है। आप देख सकते हैं हल्का ब्राउन कलर में आ गया है, और ये कितना ही सुंदर लग रहा है। इसमें जो हम बथुआ डाले हैं आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है उसकी वजह से ऊपर से। तो ये हमारा तैयार हो गया है। मैंने कटोरी ली है, कटोरी के ऊपर मैं रख रही हूँ क्योंकि पराठे अच्छे अक्सर नीचे से सौगी हो जाते हैं, थोड़ा सा मुलायम हो जाते हैं गर्म पराठे। तो इसी तरीके से आप दूसरा पराठा भी बना लीजिए, गोल कीजिए इसमें अपने आलू को भर के चारों तरफ से किनारे से मोड़ते हुए बेल लीजिए इसको। हल्के हाथों से बेल करके तवा गर्म है उस पर डाल दीजिए आप। इसको पलट के आप इसमें घी रिफाइंड तेल आपकी इच्छा अनुसार जो आपको अच्छा लगे लगा करके फिर पलट दीजिए। देखिए वन साइड तैयार हो गया है बन करके, और दूसरी तरफ भी हमारा पराठा सिक रहा है। तरीके से चारों तरफ दबाते हुए आप अच्छी तरीके से सेक सकते हैं। देखिए अच्छे तरीके से सिक गया है अब हमारा पराठा, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप उसको सेकते हुए निकाल लीजिए। देखिए तीन से चार पराठा बनके तैयार हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट लगता है। और आप लोग इसको प्लीज़ ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी मेरी कैसे लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं, तो ये ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ अलग लेके आऊँगी। आप इसको किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने यहाँ टमाटर और हरी धनिया की चटनी ली है और टमाटो केचप लिया है, तो इसको चलते देख के बताते हैं कैसे लगता है। वाह बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ अलग लाऊंगी। थैंक यू।